हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण अपने चैनल होप योर लाइफ जियो में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको हर बार नई नई रेसिपीज बनाना सिखाएंगे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक। आज हम आपको व्रत की आलू पूड़ी बनाना सिखाएंगे। पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज के आलू, थोड़ा सा सेंधा नमक और 200 ग्राम आटा। इसके लिए पहले हम आलू को कद्दूकस करके रख लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस करके रख लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें आलू डालेंगे। कुट्टू का आटा डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और इसे बिना पानी डाले ऐसे ही मलेंगे। हम अपने आटे को इसी तरह हाथ से इकट्ठा करते हुए मल लेंगे। आटा मल चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और पूड़ी बनाने के लिए एक पैन में तेल को गर्म करेंगे। अब हम आटे की छोटी लोइयां तोड़ के उसके पेड़े बना लेंगे और उससे प्लास्टिक की शीट पर थोड़ी सी ऑयल लगाकर हाथ से ही दबा दो, चाहे तो बेल के बना लो। इससे ये आसानी से फूल फूल के बन जाएंगे और ना ही चिपकेगी। अब इसे हम निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे और फुला लेंगे। देखो हमारी कैसे अच्छी पूड़ी बन गई है, फुली फुली। अब इसे हम पलट भी देंगे और दूसरी तरफ से पका लेंगे। अब हमारी आलू की कुरकुरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसे हम आलू पनीर की सब्जी, चटनी या दही के साथ कैसे भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी विल कीप शेयरिंग सच डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग रेसिपीज इन फ्यूचर आल्सो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।